हाय, तो अब मैं यात्रा जापान की के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, जो एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आपको बताने जा रही हूँ। ओके, यस। लेखिका जापान किस हेतु गई थी? ओके, विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन में शामिल होने के लिए। जापान के होटलों का रिवाज क्या है? पीने के लिए गर्म पानी देना। जापान का गुणधर्म क्या है? तो शालीनता जापान का गुण धर्म है। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के निदेशक कौन है? प्रोफेसर फुजुई ताकेशी। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन, पुस्तकालय से बाहर निकलते समय अलार्म क्या जताता है? ओके, कि कोई छिपी पुस्तक तो किसी ने नहीं ली है। ओके, जब आप वहां से निकलते हैं तो अलार्म, लाइब्रेरी से अलार्म बजता है। ओके, तो ऑप्शंस है इसमें कि कोई दैट ओके एक्चुअली क्वेश्चन है, पुस्तकालय से बाहर निकलते समय अलार्म क्या जताता है? ये जताता है कि कोई छिपी पुस्तक तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, लेखिका ने किसे अनुशासन प्रिय कहा है? तो जापान के लोगों को। शिंकासेन का शाब्दिक अर्थ क्या है? न्यू ट्रंक लाइन। देन पानी के लिए जापानी भाषा में कौन सा शब्द है? मीजू। देन स्लम डॉग मिलीनियर दैट फिल्म किसकी पुस्तक के आधार पर बनी है? विकास स्वरूप। देन नारा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो दाइजी। देन गौतम बुद्ध को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? दाए बुत्सु। नारा मंदिर में बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 55 फीट, यानी 55 फीट। देन एक जमाने में कौन सा शहर जापान की राजधानी हुआ करता था? तो नारा। देन यात्रा जापान की पाठ के लेखक कौन है? लेखिका कौन है? ममता कालिया। देन लेखिका ने किसे अनुशासन प्रिय कहा है? तो जापान के लोगों को। बुलेट ट्रेन कितने डिब्बों की गाड़ी है? 16 डिब्बों की गाड़ी है। ओके, हाँ के लिए जापानी भाषा में क्या कहते हैं? हाय। ओके, हाँ मीन्स यस के लिए जापानी भाषा में क्या कहते हैं? हाय। ओके, देन मीजू जापानी भाषा में किसे कहते हैं? पानी को कहते हैं। ना के लिए जापानी भाषा में क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं। ना इज इक्वल टू ईयर। ओके, हाँ इज इक्वल टू हाय। ओके, देन दैट जो ओके के लिए जापानी भाषा में क्या कहते हैं? उकी। थैंक यू वेरी मच के लिए जापानी भाषा में कौन सा शब्द है? दुओ दुमो आरी गातो। ओके, दुमो आरी गातु। लेखिका ममता कालिया किस सन में जापान सम्मेलन के लिए गई थी? 24 अक्टूबर 2000। ओके, 24 अक्टूबर 2010 को ममता कालिया जो थी वो जापान के लिए गई थी, 24 अक्टूबर 2010 को। लेखिका जापान के किस होटल में ठहरी थी? सन पेटियो होटल में। रेस्तरा कलकत्ता में ऊंटों के पास दीवार पर क्या लिखा है? ओके, रेस्तरा कलकत्ता में ऊंटों के पास दीवार पर क्या लिखा है? इनक्रेडिबल इंडिया। देन मसाला चाय में क्या डाला जाता है? दालचीनी, चाय पत्ती, काली मिर्च और उपर्युक्त तीनों। ओके, मसाला चाय में क्या डाला जाता है? तो मेरे हिसाब से तीनों चीज डाली जाती है। ओके, देन जापान में कदम कदम पर क्या है? रेलवे स्टेशन है। देन जापान में हर जगह रंग रूप और खूबसूरती बिखरी हुई है। इसका आंसर होगा जापान में हर जगह रंग रूप और खूबसूरती बिखरी हुई है। कहाँ है, कहाँ वो जगह है? सड़क पर, चेहरे पर, दुकानों में और उपर्युक्त तीनों में। तो आप क्या लिखेंगे? तीनों में। देन कर्टसी सीट्स कहाँ लिखा हुआ है? रेल में। देन शांत, सौम्य और तेजोमय चेहरे कहाँ के नागरिकों के हैं? जापान के नागरिकों के। टफ्स में तकरीबन कितने विदेशी भाषाओं के अध्ययन का इंतजाम है? 50 विदेशी भाषा। देन टब्स के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? तो ध्यान से सुन लो, 618, 615। ओके, कितनी पुस्तकें हैं? 6,18,615। देन डौका पुराण के लेखक कौन है? ओके, सुब्रमणि। देन जापान में कौन सा वाहन है? तो सामान्य रेल, मोनोरेल, स्वचालित रेल और लॉज स्वचालित रेल। तो आप क्या लिखेंगे? उपर्युक्त तीनों। रविंद्र कालिया को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? शू हॉर्न। क्या पसंद आता है रविंद्र कालिया को? शू हॉर्न। जापान की सबसे तेज गति वाली रेल कौन सी है? शिनका सेन। देन गुरु गोविंद की भूमिका में कौन है? तो ऋतुपूर्ण जी हैं। शिनका सेन में कितने यात्रियों के बैठने का इंतजाम है? 1300, 1300। टोक्यो और ओसाका के बीच कितनी गुफाएं हैं? तो 66। देन शिनका सेन के संचालन में कितने व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए? 8600। जापान में कौन सा पर्वत है जिसमें मनोकामना मांगो तो पूरी हो जाती है? फूजी पर्वत।
देन उसके बाद प्रोफेसर अकीरा ताकाहाशी से लेखिका कितने साल बाद मिल रही हैं? 30 साल बाद। मोमीजी की पत्तियां किस रंग की हैं? लाल रंग की है। डटापार्चा का अर्थ क्या है? प्लास्टिक। लेखिका को जुड़वा शिशु दिखे वे कितने महीने के थे? 5 महीने के। जापान वासियों के मन में अपने सम्राट के लिए क्या है? श्रद्धा और प्रेम है। ओके, देन घड़ियाल के बच्चे को कौन से कपड़े घड़ियाल के बच्चे को कौन से कपड़े पहना रखे हैं? स्वेटर, गुलबंद, जांघिया और उपर्युक्त तीनों। तो क्या होगा? उपर्युक्त तीनों। हिंदी उर्दू प्रेमियों का जमावड़ा किसके घर में है? हरजेंद्र चौधरी के घर में। सेमिनार का उद्घाटन कब होता है? नवंबर 10 बजे, 30 नवंबर। ये क्वेश्चन जस्ट लीव इट। सेमिनार में प्रथम सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? मिजो कामी। ओके, कौन कर रहे हैं? मिजो कामी। ओके, उसके बाद देन जापान में कौन से गाने पसंद किए जाते हैं? हिंदी गाने। देन प्रोफेसर मालवीय की पत्नी का नाम क्या है? तो ओकिको सान। क्या आंसर होगा? ओकिको सान। देन ताका हाशी सान सबके लिए क्या खरीदते हैं? मिष्ठान यानी मिठाई। देन तोदाइजी मंदिर किस धातु से बना है? ओके, तो सीमेंट से, पत्थर से, तांबे से और लकड़ी से। ये धातु से नहीं बना है, ये लकड़ी से बना है। तो इस तरह से मैंने यात्रा जापान की के एमसीक्यू को भी एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है। इसको जरूर से एक बार सुन लेना। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और अपने कमेंट्स मुझे, अपने फीडबैक मुझे क्वेश्चन पेपर का जरूर देना। ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद तू कौन मैं कौन, नहीं करना। ओके, और फीडबैक मुझे, कमेंट्स मुझे जरूर बता देना। थैंक यू सो मच।